एवरीवन, माय नेम इज दीक्षा एंड यू आर वाचिंग hindnews.live। आज हम जुड़ रहे हैं सिनेमा की एक मजबूत कड़ी कास्टिंग डायरेक्टर एंड बॉलीवुड एक्टर मोहम्मद सैफ से। सैफ, मैनी पीपल हैव नो आइडिया व्हाट कास्टिंग इज, इसका इनिशियल स्टेज क्या होता है, कैसे लोग अप्रोच करते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन था। बेसिकली जो न्यूकमर्स हैं ना, वो इस चीज़ को लेकर ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कास्टिंग डायरेक्टर ही सब कुछ होता है, सबसे बड़ी चीज़। बट इसके लिए भी हमें तैयारी करनी पड़ती है। सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि कास्टिंग नाम का शब्द जो है वो कहीं डिक्शनरी में था ही नहीं बॉलीवुड के। पहले डायरेक्टर्स आते थे, जैसे लोकेशंस विजिट होता था, जब हमारे लाइन प्रोड्यूसर्स होते हैं तो विजिट करवाते थे, तो उनसे ही पूछता था, भाई आपके शहर में कौन कौन से एक्टर्स हैं। तो बेसिकली जो थिएटर्स के होते थे उन्हें सजेस्ट कर दिया करते थे। तो उससे होता क्या था, 2-4-10 नाम जो हैं वो सामने आते थे, बाकी किसी को पता ही नहीं चलता था कि शहर में और भी लड़के हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, पर वहाँ तक की वो बात पहुँचती नहीं थी। कास्टिंग से बस ये फ़ायदा हुआ कि हम जगह जगह जाकर उन एक्टर्स को खुद खोजते हैं, उनके लिए हम लोग मैसेजेस करते हैं, कई जगह अगर हमें प्रमोशंस करना पड़ता है प्रमोशंस करते हैं ताकि वो आए। हमारे टाइम पर तो मुझे याद है कि ऐसा कुछ था ही नहीं। हम लोग टीवी देखते थे, सोचते थे कैसे पहुंचेंगे बॉलीवुड में, क्या रास्ता है, कहाँ से जाना चाहिए, कहाँ से शुरुआत होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को जो है ना, कि जैसे अभी बीच में एक चला था नेपोटिज्म के, जो हीरो का लड़का है वही हीरो बनेगा, ठीक है। तो नेपोटिज्म जैसा ऐसा कुछ था नहीं, बट हमारे पास ये क्यों एक ग्राउंड था ना कि हमें नए एक्टर्स मिले कहाँ से, ये ख़त्म हो गया था। तो कास्टिंग ने इस ग्राउंड को कहीं ना कहीं वो तोड़ कर दिया, आइस ब्रेक हो गया इसका, कि हमें अगर न्यूकमर्स हैं, अगर वो अच्छे एक्टर्स हैं, तो हम एज एन कास्टिंग उनको आगे तक के लेकर आ सकते हैं। बट अभी सबसे बड़ा जो न्यूकमर्स में कन्फ्यूज़न आ रहा है, वो बस सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, हम स्मार्ट हैं, या मैंने 3-4 रील बना लिया तो हम बस एक्टर हो गए। इस बेस को समझना बहुत ज़रूरी है। आपने रील्स बनाया, आपने एक्टिंग नहीं की, आपने कहीं ना कहीं मिमिक्री की उसको, आपने कॉपी किया। एक्टिंग कॉपी करना नहीं है, एक्टिंग ये है कि आपके अंदर क्या है। एक डायलॉग को हम 10 तरह से बोल सकते हैं, आपने किसको सीखा। हम लुक पर कभी काम ही नहीं करते हैं। अगर एक्टर अच्छा है तो हवाई चप्पल ही पहन के आएगा तो मेरे लिए वो एक्टर ही होगा। आप नमाज को देख सकते हैं। तो बस ग्राफ के साथ साथ मैं यही कहूँगा कि दोस्तों, भागिए नहीं, उस चीज़ को समझिए। ज़रूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन या कहीं जाकर ही क्लास ले सकते हैं। यूट्यूब्स पे कई ऐसे चैनल्स हैं, कई ऐसे यूट्यूब्स में वीडियोस एक्टिंग के पड़े हैं, उनको समझिए और बेसिक फंडा को जानिए, फिर आइए। सैफ, लुक टेस्ट क्या होता है, और एक एस्टेब्लिश जो एक्टर होते हैं उन्हें भी लुक टेस्ट देने की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल देना पड़ता है। लुक टेस्ट सभी के लिए ज़रूरी होता है। जब हम एक पिक्चर का एक ग्राफ तैयार करते हैं, राइटर जब लिखता है, तो हर कैरेक्टर की अपनी एक उसकी ब्रीफिंग होती है कि ये देखने में गांव का होगा, इस पर थोड़ा सा हरियाणवी टच आएगा, उसकी मुझे सफ़ेद होंगी। तो एक कैरेक्टर का जो ग्राफ बनता है, जो फिल्म में वो कैरेक्टर प्ले कर रहा होता है, लाइक अमिताभ बच्चन सर तक की आज तक भी लुक टेस्ट वो देते हैं। अभी मैंने लास्ट गुलाबों सिताबों किया, उससे पहले उनके कम से कम 6-7 दिन उनके लुक टेस्ट चले। अलग अलग कपड़े पहनाए जाते थे, अंगूठियाँ कौन सी देनी है, बाल किस तरह से रखने हैं, खिचड़ी बाल रखने नहीं रखने, दाढ़ी छोटी रखनी है कि नहीं रखनी है, उन पर शर्ट कौन सी अच्छी लगेगी, चप्पल उनको देना है तो कैसे देना है। तो लुक टेस्ट बेसिकली कैरेक्टर को डिसाइड करता है। तो ये बड़ा एक्टर हो छोटा एक्टर हो, उसे लुक टेस्ट देना ही पड़ता है। जैसे हम कहीं शादी में जाते हैं तो हम पहले से प्लान करते हैं ना कि ये साड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, सूट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कि हम प्रेजेंटेबल हो। तो हम तो पूरे कैरेक्टर को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस कैरेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए लुक टेस्ट जरूरी है। और लुक टेस्ट के ही बिहाफ पर भी कई बार हम लोग कास्टिंग करते हैं, कि एक हम लोग एक ग्राफ मिलता है कि एक बुढ़ा आदमी है 60 साल का, जिसकी साइकिल की दुकान है, बीबी की डेथ हो चुकी है, और एक बहुत ही मिडिल फैमिली से बिलोंग कर रहा था, एक उन्होंने मोटा मोटा ग्राफ खींच के दिया। तो हमारे लुक के हिसाब से अगर वो कैरेक्टर हमको जज रहा है तो हम उस पर वर्कआउट करेंगे, उस पर मेहनत करेंगे। तो लुक टेस्ट तो जरूरी है, नो डाउट। हमारी रियल लाइफ में भी लुक टेस्ट होता है, वैसे हमारे फिल्मी लाइफ में भी लुक टेस्ट होता है। पुराने ज़माने की जो कास्टिंग होती थी और अब जो आप लोग करते हैं, इसमें कुछ डिफरेंस है? पुराने ज़माने में कास्टिंग ही नहीं होती थी। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स और या वहाँ के लाइन प्रोड्यूसर्स मिलते थे, तो बैठ के डिसाइड कर लेते हैं। जैसे हम लोग कभी पिकनिक के लिए या अपने फ्रेंड सर्कल में कोई पार्टी के लिए डिसाइड करते हैं ना कि तुम सुनीता को बुला लेना, एक काम करो तुम कैकशा को फ़ोन कर दो, तुम रवि को बुला लेना, तुम आनंद को बुला लेना, तो एक मोटा मोटा, क्योंकि उन्होंने देखा होता है उनका काम कैसे कैसे हैं। तो कास्टिंग बस इसी तरह से होती थी कि जब जिस एरिया में शूट कर रहे हैं, हम वहाँ पूछते थे कौन कौन से एक्टर्स हैं, भाई बुला दो, उनमें से हम देख लेते हैं। तो कास्टिंग जैसा कुछ था नहीं है। तो थैंक गॉड मुकेश छाबड़ा सर आए और उन्होंने पहले से कास्टिंग नाम का एक अलग सा एक पैरा लाकर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में सेट किया। ये सेट करने वाले मुकेश छाबड़ा ही सर थे जिन्होंने सेट किया कि ये एक बड़ा कॉलम है,
अगर हम उसी चीज़ों में फंसे रह जाएंगे तो 2, 4, 10 एक्टर जिनको हम जानते हैं हम उन्हीं को ही प्रेजेंट करेंगे, पर नए जो पीछे से एक टीम चली आ रही है, एक पूरा जत्था चला आ रहा है, जो घरों से निकल रहे हैं, NHT कर रहे हैं, BNA कर रहे हैं, कई ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनको ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनको कहाँ से मौका देंगे? तो कास्टिंग का जो फंडा है ना, वो बेसिकली मुकेश छाबड़ा सर के ही वजह से आया, और उससे फ़ायदा ये है कि जो हमें नहीं पता कि फला गांव में एक लड़का है जो साइकिल से रोज जाकर एक्टिंग सीखता था और बहुत अच्छा एक्टर है, पर उसने आकर हमने जब एक पेज पर अपडेट किया कि यहाँ पर आकर मुझे ऑडिशंस दीजिए और ऑडिशन देता, वो लड़का सेलेक्ट होता जो हमारे हिसाब से, मैं तो ज़िंदगी में ना पहुँच पाता क्योंकि उसका कोई लिंक नहीं था। तो कास्टिंग ने, आप अभी वेब सीरीज़ देखिए, वेब सीरीज़ में कोई भी ऐसा बड़ा एक्टर अभी नहीं काम कर रहा, मोस्टली आप ज़्यादातर नए फेसेस देख रहे हैं, वो जो है ये कास्टिंग है। हम घरों से निकालते हैं, हम छोटा बड़ा नहीं देखते, हम सिर्फ वर्कआउट करते हैं उसकी एक्टिंग पर, उसकी चीज़ों पर, उसके लुक पर। तो कास्टिंग ने उस कहीं ना कहीं उस चीज़ को ध्वस्त कर दिया कि जो सेलेक्टेड हैं या जिनको हम देखते हैं वही रहेंगे, हम ज़मीन से उठाकर अगर स्क्रीन तक के ला के खड़ा कर सकता है तो वो सिर्फ एक कास्टिंग डायरेक्टर, और हम कर रहे हैं। सैफ, आप कास्टिंग डायरेक्टर होने के साथ साथ एक एक्टर भी हैं, तो अपने एक्टिंग करियर के बारे में बताइए कुछ। 80% कास्टिंग डायरेक्टर होने से पहले बंदा एक्टर ही होता है। तो कहीं ना कहीं मैंने भी शुरुआत की थी एज एन एक्टर, मैंने भी यहाँ से BNA में रेपेट्री किया, देन उसके बाद SNL में कई ऐसे इंस्टीट्यूशन से यहाँ से मैंने किया, थिएटर किया दर्पण के साथ, लगभग 30 से 40 प्लेस किए, पर वो उससे एक सेटिस्फेक्शन मुझको नहीं मिल पा रहा था कि ठीक है मैंने एक्टिंग तो कर ली पर हम मीडिया में कैसे पहुँचे, तो ये सबसे बड़ा रोल था। और दूसरा जो होता है फैमिली का प्रेशर, हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, घर वाले बहुत भर भर के पैसे देंगे, बेटा ले जा कोई बात नहीं होता है, पर एक्टर ना कहीं एक निगेटिविटी जो ऐसी फैमिली में या खानदान में फैली होती है कि नहीं कुछ नहीं हो पाएगा, सब थोड़ी ना एक्टर बन जाते हैं, वो कहीं ना कहीं कूट के भरा हुआ था सबके अंदर। तो अब सेकेंड थिंग था कि मुझे इस फील्ड में मैं घुसूँ कैसे। एक एक्टर अगर स्टार्टिंग में जब होता है या उसका सिलेक्शन होता है, वो 2 दिन का रोल करता है फिर अपने घर पर आ जाता है, बाकी 28 दिन वो फ्री है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। उसने 2 दिन तो रोल किया, कैमरे के सामने रहा। मेरे अंदर एक जज्बा था शुरू से कि मैं 30 के 30 दिन अपने मैं कैमरे को ही देना चाहता हूँ। पॉजिटिव यह था कि मैंने थिएटर किया था, मैं लखनऊ को जानता था, लखनऊ के चीज़ों को जानता था, समझा हुआ था। तो मैंने धीरे से मूव किया एज एन कास्टिंग डायरेक्टर, मैं कास्टिंग भी करूँगा। बहुत सारे मेरे ऐसे कलीग्स हैं जो इस फील्ड में हैं जिनको नहीं पता है A to Z, तो मैं धीरे से मैंने इंटर किया और अब ऊपर वाले का शुक्र है वो सारे भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो कास्टिंग डायरेक्टर से बस मुझे फ़ायदा यह है कि मैं कैमरे को और करीब से जान सकता हूँ और एक्टर्स को करीब से जान सकता हूँ जो मेरे कहीं ना कहीं मेरी लाइफ को सर्वाइव एज एन कास्टिंग में कर रहा हूँ। और साथ में एक्टिंग का एक जो जज्बा जो शुरू से आखिरी तक के था, जो पहला जुनून था, वो मैं पूरा कर रहा हूँ। सैफ, यूपी में काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, तो आप उनको कैसे मोटिवेट करते हैं? दीक्षा, मेरा इंस्टाग्राम और मेल भरा हुआ है ऐसे लोगों से। ये बड़ी अच्छी बात है कि जहाँ लोग मिलते नहीं थे अब वहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग निकल रहे हैं, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उनके घर वाले कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा कि उनके पेरेंट्स का भी मेरे पास फ़ोन आता है कि सर आप सजेस्ट करिए, आप सारी चीज़ें करिए। तो उनके लिए बस इतना कहना चाहूँगा, दोस्तों बैग उठा के भागो मत कि 4 जोड़े कपड़े लिए और हम मुंबई चले गए, हम हीरो बन गए। अगर कोई मैं आपसे ही पूछूंगा कि मैं कैसा लग रहा हूं, तो आप मुझे यही कहोगे सर तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, मैं कितना अच्छा हूं कितना नहीं वो तो आपका मन जानता है, आपका ईमान जानता है, पर पहला जो सेंस यही निकल के आता है ना। तो यहां पर आप कुछ भी करिए ना, हल्का सा डांस करिए, यार क्या डांस करता है यार, तुझे तो जाना चाहिए, तू लखनऊ में क्या कर रहा है, पर आपको अपनी अच्छाइयों के साथ साथ आपको अपनी कमियों को भी पहचानना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है हमें उसके जजमेंट पर नहीं जाना है, हम क्या है ये मेरा मन जानता है। मुझे पता है एज एन कास्टिंग डायरेक्टर, एज एन एक्टर मैं जानता हूँ मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ और कितना ख़राब अच्छा हूँ, मेरे अंदर भी कमियाँ हैं, तो ये मैं जानता हूँ। आप अपने आप को पहले पहचानना शुरू करिए और अंधेरे में मत भागिए, आप अंधेरे में भागेंगे और वापस कहीं ना कहीं गिर जाएंगे। हम जब कहीं घर से बाहर जाते हैं, किसी भी अगर हम अपने शहर से बाहर जाते हैं, तो 3-4 दिन पहले से हमारी प्रिपरेशन शुरू होती है, कपड़े क्या रख लें, नहाने के बाद क्या पहनेंगे, सेकेंड डे क्या पहनेंगे, थर्ड डे क्या पहनेंगे, वहाँ से जाके हमें रिक्शा करना है या टैक्सी लेना है, हम एक प्लान पहले से ग्राफ बनाते हैं ना कि हमें वहाँ पर जाकर दिक्कत ना हो। तो मुंबई जैसे बड़े शहर में आप बगैर ग्राफ कैसे जा सकते हैं, सिर्फ दूसरे ने भाई तू बहुत अच्छा एक्टर है ये कहेंगे। आप अपने आप को पहचानिए, उसके लिए मेहनत करिए, उसके लिए पहले प्रिपरेशंस करिए। 2 जोड़े जैसे कपड़े आपने रखे ना, आप देखिए कि आपके शहर में कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप अपने आप को परख सकते हैं, जहाँ से उसकी बारीकियों को सीख सकते हैं, जहाँ से उसकी बेसिक्स को आप सीख सकते हैं। रील बनाना दोस्तों एक्टिंग नहीं है, फिर मैं कहूँगा अच्छी पिक्चर्स या किसी का तारीफ कर देना एक्टिंग नहीं है, आप उसकी बारीकियों को सीखिए,
हो सके तो पास के थिएटर को ज्वाइन करिए, और जब आपको हर तरह से आप अपने ऊपर आपके यकीन हो जाए तो आप मुंबई की तरफ रुख करिए। सिर्फ आपकी जो रीसेंट मूवी और अपकमिंग मूवी है जिसमें आपने एक्टिंग की हो या फिर कास्टिंग की हो, उसके बारे में कुछ बताइए। कास्टिंग की तो बेशुमार लिस्ट है, और ऊपर वाले का शुक्र है और लखनऊ का कहीं ना कहीं आशीर्वाद रहा है कि मैंने लास्ट अमिताभ सर के साथ, उन्हें देखने के लिए मैं तरस रहा था एक टाइम पर, और उनके साथ मैंने टीवीएस जुपिटर का ऐड किया, फिर गुलाबों से दाबो किया, फिर लास्ट ईयर फिर उनके साथ एक फिर द उमेश क्रॉनिकल किया जो अब मेरी अपकमिंग है, उसमें एक छोटा सा कैरेक्टर भी, मेरा सौभाग्य रहा कि उनके साथ निभाने का मौका मिला। जॉन अब्राहम सर के साथ अभी मैंने बाटला हाउस की है, उसकी लोकल कास्टिंग भी की है, मुंबई से कविश सर कर रहे थे और लखनऊ से मैंने उसकी कास्टिंग उनको सपोर्ट किया। सत्यमेव जयते जॉन अब्राहम सर के साथ किया, फिर उसके बाद सैफ अली खान सर के साथ मैंने बुलेट राजा की थी, और लंबी लिस्ट है। अभी मेरी एक और अपकमिंग मूवी है मून वॉक, वो मैं कर रहा हूँ। लास्ट मैंने विनीत के साथ मुक्केबाज किया, फिर उसके बाद विनीत के साथ अभी एक और आई है रंगबाज थ्री, साबुद्दीन की लाइफ के ऊपर, वो मैंने कंप्लीट किया। आज से 2 दिन पहले एक टूथपेस्ट का ऐड किया है, आने वाले में फिर अभी एक हीरो होंडा का ऐड करने जा रहा हूँ। तो बस चल रही है अच्छी खासी। मिशन मजनू अभी लास्ट मेरी 1 महीने पहले रिलीज़ हुई है, उसमें भी एक कैरेक्टर मैंने अनवर का किया है। उससे पहले लाहौर कॉन्फिडेंशियल मैंने किया ऋचा चड्ढा, और ऋचा चड्ढा जी के साथ उसमें एक पाकिस्तानी रॉ एजेंट बना हूँ। तो बस जर्नी चल रही है, ऊपर वाले का साथ है और लखनऊ का आशीर्वाद है। बस ये है कि मन से कर रहा हूँ, तो दोस्तों मन का होना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इतनी अच्छी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, अपने स्ट्रगल के बारे में बताइए। आपने स्ट्रगल किया बॉलीवुड में जाने के लिए, उन सारी चीज़ों के बारे में कुछ बताइए। मुझे लगता है मैंने स्ट्रगल नहीं किया, मैंने मोक्ष की प्राप्ति की है। स्ट्रगल कहना, जैसे आप कभी जाइए ना, तो मोक्ष की प्राप्ति में होता क्या है ना कि वो जो हमारे जो बड़े थे वो जाया करते थे जंगलों में, जीवन क्या है, जीवन का सिद्धांत जानने लिए खुद अपने हाथ से लकड़ियों को बीनते थे, खुद रात के खाने का इंतज़ाम करते थे, खुद अपने लिए कपड़ों का इंतज़ाम करते थे, तो उन्हें ज़िंदगी का असल उद्देश्य समझ में आता था, तो वो उस पर वर्कआउट करते थे कि हाँ जीवन वो नहीं है कि अच्छा खाया अच्छा पहना और घूमे जीवन ख़त्म हो गया। तो स्ट्रगल नहीं, वो मुझे एक तरह से मोक्ष की प्राप्ति थी कि एक्टिंग करना है तो क्या करना है। मैं तो बस ऐसी एक छोटी सी जर्नी रही कि घर वाले, क्योंकि मैं एक हाफिज़ और मौलवी ख़ानदान से बिलोंग करता हूँ जिनके घरों में टीवियाँ भी नहीं होती हैं, तो उस फैमिली से था, तो शुरुआत में बहुत हंसी हो रही मजाक हो रही, पर मुझे मैं क्लियर था कि मुझे करना है और कैसे करना था स्टेप बाय स्टेप, जो मैंने शुरू में कहा कि मुझे सबसे पहले थिएटर ज्वाइन करना है। हालांकि कमाल की बात है, पहला मॉडलिंग का शो मेरे पापा ही ने मुझे ज्वाइन कराया था, तो उन्होंने कहा चलो लड़के का मन है, उनको क्या मालूम था कि मेरा लड़का सर किराया है, जो मानेगा ही नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने भी शुरू किया। एक वक्त ऐसा भी आया कि घर वाले काफ़ी खिलाफ थे हमारे, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं था, बस स्क्रिप्ट रखे दिमाग में आ गया था कि अब तो हीरो बन गया, ऐसे स्क्रिप्ट लगाता था और बैग से लेके अपना निकल जाता था, हीरो वाली फीलिंग रहती थी। बट घर वालों को कहीं ना कहीं टेंशन रहती है इस चीज़ की, वो फिक्रमंद होते हैं, वो आपसे जलते नहीं है, वो आपके करियर को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, पर वो फिक्र करते हैं कि आज हम हैं कल हम नहीं रहेंगे तो मेरा लड़का क्या करेगा, वो आपकी कामयाबी के लिए आपको प्रेशराइज करते हैं। तो एक वक्त मेरे साथ भी आया कि घर वालों ने साथ छोड़ दिया, साथ क्या छोड़ दिया, सिर्फ इस वजह से कि हो सकता है मैं निकाल दूँ घर से तो सुधर जाए। तो एक वक्त के लिए, ये तब की बात है जब मैं दावत इश्क कर रहा था, मुझे भी घर से निकाल दिया गया, 1 महीना मैं बाहर था, वही मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल था। और खैर बाद में घर वालों को भी एहसास हुआ कि लड़का सुधरेगा नहीं, बदतमीज़ी है, मानेगा नहीं, और कहीं ना कहीं जुनून दिखा, वापस हम आए और ऊपर वाले का शुक्र है सब बहुत अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों ये तो अपने दिमाग से कभी निकाल ही दीजिए कि आपके घर वाले आपसे जलते हैं, वो कभी नहीं जलते हैं, वो सिर्फ आपका भला चाहते हैं। जब लड़का पैदा होता है ना तो पहले से घर वाले कहते हैं मेरा लड़का बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, जब आप डॉक्टर नहीं बनते हो ना तो वो आपको जो मारते हैं या पीटते हैं या आपके साथ कुछ भी ऐसा करते हैं, तो वो इसलिए नहीं करते कि आप डॉक्टर नहीं बने, वो इसलिए क्योंकि वो आपके भविष्य की चिंता करते हैं। मेरे माँ बाप ने एक टाइम पर किया, उनको भी एक फिक्र था, ये डर था, पर हमने उनको साबित किया ये आपके हाथ में है, हम फोकस्ड रहे शुरू से आखिरी तक के। आज मुझे अच्छा लगता है मेरे फादर खुद जाके इंट्रोड्यूस करते हैं, ये मेरा लड़का है, ये कास्टिंग डायरेक्टर है, इसकी ये फिल्म आई है। तो दोस्तों ये दिमाग से निकाल दीजिए कि घर वाले आपसे जलते हैं, स्ट्रगल ज़रूरी है, स्ट्रगल ज़रूरी क्या, ये मोक्ष की प्राप्ति है अगर आप कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको घर से ही सारी संसाधन मिले तभी आप एक्टिंग कर पाएँ, घर से ही पैसे मिले तभी। मेरे साथ के कई ऐसे लड़के हैं मैं जिनको जानता हूँ, वो दिन में पढ़ाते हैं, शाम को क्लासेस ले रहे हैं एक्टिंग के। मैं कई ऐसे लड़कों को जानता हूँ जो दिन में जॉब करते हैं और रात में कहीं ना कहीं आके जहाँ पे चल रही है वर्कशॉप, वहाँ पे वर्कशॉप्स लेते हैं। तो आपको अगर करना है तो आपको अपना रास्ता खुद निकालना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों मैं ये कहूँगा कि मोक्ष की प्राप्ति करो, आगे अच्छा ही होगा।
सैफ, आप हमारे चैनल हिंद न्यूज़ डॉट लाइव के थ्रू अपने फैन से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल दोस्तों, मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि फोकस्ड होइए, दूसरों पे को छोड़कर अपने पर ज़्यादा यकीन करिए। आपके कान, आपका नाक, आपका दिल सबसे पहले आपको सुनता है, आप उस पर विश्वास रखें। हवा में बातें करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, उस पर थोड़ा सा वर्कआउट करिए। आसपास ज़रूरी नहीं है कि किसी को कोई इंस्टीट्यूशन या आपके पास पैसों की कमी है, आप नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे थिएटर्स हैं जो आज भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप उनसे सीखिए। बहुत सारे चैनल्स हैं, अब यूट्यूब्स में बहुत सारे ऐसे वीडियोस पड़े, आप उनसे करिए। सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे तो आपने किसी को ज़िंदगी में टाइम नहीं दिया। खुद से रिहर्सल्स करिए, प्रैक्टिस करिए, और मुझे फ़ोटोग्राफ्स की जगह पर हो सके तो मुझे अपने वीडियोज़ दीजिए, मैं ज़रूर उसका रिस्पांस करूंगा। मेरे पास अक्सर आप लोगों के रिस्पांस आते हैं कि सर मैं बनना चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है। भाई मैं ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकता हूं, मैं एज एन एक्टर आपको प्रेजेंट कर सकता हूं। अगर आप अच्छे होंगे तो डेफिनेटली आप जिस कोने में भी होंगे मैं आपको ढूंढ के निकाल लूँगा। तो प्लीज़ हमारे पास आइए, तो इस तरह से आइए कि मैं इस लायक रहूँ कि डायरेक्टर को कह सकता हूँ नहीं सर ये बहुत अच्छा एक्टर है। तो फोटोग्राफ्स की जगह पर या अलग से सोर्स लगाने से कुछ नहीं होता। मैं एक बहुत बड़ी आपको चीज़ बताऊँ, मैंने अब तक कुछ नहीं तो लगभग 20 से 22 फिल्मों की कास्टिंग की है अपने करियर में, और जिनमें बहुत ज़्यादा मैं अपनी खुद की फिल्मों में 5 से 6 फिल्मों में मैं रहा हूँ। मैं अपना भी ऑडिशंस प्रॉपर बनाता हूँ, मैं डायरेक्टर तक का भेजता हूँ। वो करोड़ों की फिल्म बना रहा है यार, तो वो रेफरेंस पे क्यों ले लेगा कि साहब मेरे फिल्म की कास्टिंग कर रहा है तो ये एक्टर हो गया। वो एक्टिंग देखते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि ये परफेक्ट है तो ही वो लेते हैं, वरना मैं भी रिजेक्ट होता हूँ। लास्ट मिशन ये जो मैंने की थी गुलाबो सीताबो, क्योंकि पहला वो मेरी फिल्म थी अमिताभ सर के साथ, मैंने यकीन करिए उसके कुछ नहीं 20 ऑडिशंस दिए थे, पर डायरेक्टर को नहीं समझ में आया। मेरा असिस्टेंट था उसका, मुझसे अच्छा था उसका कैरेक्टर हो गया, मेरा नहीं हो पाया। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई शॉर्टकट है, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। खासतौर से लड़कियों से भी कहूँगा कि शॉर्टकट के चक्कर में बेटा मत जाओ, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट या तो वही जो खेत बेचकर फिल्में बन रही उन्हीं में होता है। अगर आपको करना है तो अपने ऊपर यकीन करिए, और अगर आपको अपने ऊपर यकीन है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू, थैंक यू सो मच सैफ, होप टू सी यू सून इन अपकमिंग मूवीज। थैंक यू, कीप वॉचिंग हिंद न्यूज़ डॉट लाइव।